ईद उल अज़हा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक मुबारक दिन है। इस मुबारक दिन का आगाज हमें किस तरह करना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं वो अहम काम जो ईद की नमाज से पहले और बाद में करने चाहिए। तो आइए आपको नमाज ईद से पहले करने वाले काम बताते हैं। नंबर वन, हजामत बनवाना। नंबर टू, नाखून तराशना। नंबर थ्री, गुसल करना। नंबर फोर, मिसवाक करना। नंबर फाइव, अच्छे कपड़े पहनना, नए हो तो नए वरना धुले हुए पहनना। नंबर सिक्स, खुशबू लगाना। नंबर सेवन, नमाज फजर मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ना। नंबर एट, नमाज ईद से कबल कुछ ना खाना। नंबर नाइन, ईदगाह पैदल जाना, जो पैदल जा सकता हो उसके लिए पैदल जाना अफजल है। नंबर टेन, एक रास्ते से नमाज ईद के लिए जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना। नंबर 11, नमाज ईद उल अजहा के लिए जाते हुए बुलंद आवाज से तकबीर यानी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहना। नंबर 12, नमाज ईद ईदगाह में अदा करना। और अब आपको नमाज ईद के बाद करने वाले काम बताते हैं। नंबर 1, खुशी जाहिर करना। नंबर 2, कसरत से सदका देना। नंबर 3, आपस में ईद की मुबारकबाद देना। नंबर 4, नमाज ईद के बाद हाथ मिलाना और गले मिलना यानी मिलनसारी करना। नंबर 5, कुर्बानी करना। नंबर 6, नवी जुलहिज्जा की फजर से 13वीं की असर तक हर नमाज फर्ज पंजगाना के बाद जो जमात मुस्तहब्बा के साथ अदा की गई उसके बाद एक बार तकबीर बुलंद आवाज से कहना वाजिब है और तीन बार अफजल है। इसे तकबीर तशरीक कहते हैं और वो ये है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगर आप इन बातों पर सवाब की नीयत से अमल करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा और जो जो इसको देखकर अमल करेंगे उसका सवाब भी आपके हिस्से में आएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।